जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथवाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, दो पाइप यदि एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं और एक नल टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए मेरे पास तीन टंग नल है, मान लेते हैं ए, नल ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। नल ए जो है ए भरने वाला है और बी भी भरने वाला है, सी जो है खाली करने वाला, तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। और नल ए को हम चालू करते हैं तो मेरा जो टंकी है 10 मिनट में भर जा रहा है, वही नल अगर बी को हम चालू करते हैं सिर्फ बी को तो मेरा टंकी 20 मिनट में भर रहा है, और नल मेरा और टंकी भरा हुआ है, और नल सी को हम चालू करते हैं तो मेरा जो नल टंकी है 30 मिनट में भर जा रहा है और 20 मिनट में खाली हो जा रहा है। देखिए मेरे पास तीन नल है, नल ए को हम चालू करते हैं तो मेरा टंकी जो है 10 मिनट में भर जा रहा है, नल बी को चालू करते हैं मेरा टंकी 30 मिनट में भर जा रहा है, और नल सी को चालू करते हैं और मेरा टंकी भरा हुआ है तो 20 मिनट में खाली हो जा रहा है। अब मान लीजिए टंकी की क्षमता हम निकालना है, तो क्षमता निकालने के लिए टोटल कितना इसका मेरे टंकी में कितना पानी हट रहा है, इसका क्षमता निकाल इसका एलसीएम ले लेगा। ये मेरा क्या है, समय दिया है, समय टोटल टोटल क्षमता यानी टोटल वर्क निकालने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। जब टोटल का समय से भाग देंगे तो मेरा क्षमता आएगा, जब टोटल हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो टंकी है उसमें 60 लीटर पानी लट रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो टंकी 60 लीटर का टंकी है तो ए 10 मिनट में भर रहा है, बी 30 मिनट में भर रहा है और सी 20 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो टोटल काम में और समय से भाग देंगे तो क्या इनके लिए क्षमता निकलेगा, और टोटल काम मेरा कितना है, 60 है, और इसे समय से भाग देंगे 6 बार में 2 3। देखिए यह थोड़ा समझते हैं, ए को चालू करते तो एक मानते हैं कि मेरे पास जो टंकी है उसमें 60 लीटर पानी हट रहा है, ठीक है। तो ए एक मिनट कितना पानी भर रहा है, 6 लीटर, बी भर रहा है 2 लीटर और सी खाली कर रहा है 3 लीटर। अब तीनों को मिला के देखें तो मेरा एक मिनट कितना पानी भर रहा है, 6 × 2 = 8 मेरा पानी भर रहा है, 3 लीटर खाली हो रहा है, यानी टोटल मिला के मेरे पास जो टंकी है एक मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है, तीन नल को तीनों एक साथ हम खोल दिए। तो ए एक मिनट में 6 लीटर पानी भरा, बी एक मिनट में 2 लीटर पानी भरा और सी जो है एक मिनट में 3 लीटर खाली कर दे रहा है, तो 8 भाग तो मेरा भरा है और जो 3 है खाली हो रहा है, यानी टोटल मिला के 5 लीटर हमको पानी भरा एक मिनट में। भरना कितना है, टोटल जो हमको टंकी है 60 लीटर टंकी है इसको भरना है, तो एक मिनट कितना पानी भराएगा, तो 5 से भाग देंगे। जब टोटल काम में समय से भागा तो क्षमता निकलेगा, जब टोटल काम में क्षमता से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा, ठीक है। तो क्षमता कितना है, एक मिनट में जब जो उसका काम करने की क्षमता है 5 है, तो 5 से भागा दे यानी 12 × 50 = 60। और तीनों को एक बार हम एक साथ खोलते हैं तो मेरा 12 मिनट में जो टंकी है वो भर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 12 आएगा, कितना, 12 मिनट। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, यदि उसने आय 20% बढ़ जाता है तथा खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसे बचत लगभग कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रेशियो से भी हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपये हम कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 100 रुपये आय है मेरा। अगर 100 रुपये हम कमा रहे हैं तो खर्चा कितना कर रहे हैं, खर्च करना है 76 रुपया, 100 में से अगर 76 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहा, यानी बचत हो रहा है 24 रुपये का, ठीक है। अब अगर इसका रेशियो हम निकालना चाहें तो रेशियो में क्या करते हैं, 4 से तो 25 × 100, 19 × 76, 19 बार में 6 × 24, 6 बार में। देखिए और मान लेते हैं जो मेरा आय कितना है, रेशियो 25 है, तो आय में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 20%, ये 20% बढ़ा है, तो खर्च कितना बढ़ेगा, 15%। आय में अगर 20% बढ़ाए हैं तो खर्च भी मेरा 15% वृद्धि हुआ है, तो मेरा बचत कितना परसेंट वृद्धि होगा, ठीक है। तो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो बचत है, बचत भी 15% बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 15%। अगर 15% बचत बढ़ रहा है
और 15% खर्च भी बढ़ता है तो मेरा आय भी 15% बढ़ता है, ठीक है। तो मेरा जो आय है 20% बढ़ रहा है, यानी जो खर्च से कितना अधिक है, 5% अधिक है। एक रेशियो का माना, एक रेशियो में 5% वृद्धि होगा तो टोटल कितना है, रेशियो में कितना है 25 है, तो 25 से गुना करेंगे, 5% वृद्धि हुआ है परसेंट में 5%, तो कितना है टोटल 25, तो 25 से गुना करेंगे तो टोटल कितना है, 25 से गुना करते तो 125% वृद्धि हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी इसका रेशियो थी औसत निकालने के करते हैं का, ये तो मेरा एक फल टोटल मेरा का बढ़ा, पूछ रहे हैं बचत का, तो हमको कितना भाग में बांटना है, 6 भाग में 6 रेशियो का मान निकलना। अब 15 माने अपना से 15% माने कि मेरा बचत है 15% वृद्धि हुआ है, इससे कितना अधिक है टोटल मिला के 125% वृद्धि हो रहा है। हमको बताना कि बटना कितना में 6 भाग में बटना है, 6 रेशियो का मान तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 12.0.848 बचत 2 × 36 = 18 15, 20, 35.83%। अब पूछ रहे का लगभग मान पूछ रहा है, लगभग पूछे तो 35% भी ले सकते हैं, यानी 35% का हमको वृद्धि हुआ है। अगर मेरा पहले 100 रुपये आय था जिसमें 76 रुपये खर्चा कर रहा था, मेरा बच कितना रहता है 24 रुपये, और मेरा आय में 20% वृद्धि हुआ है और खर्च में 15% वृद्धि की है, तो मेरा बचत में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, लगभग 35%। अरे ये भी कह सकते हैं 35.83 और आगे भी जाएगा, तो लगभग पूछ रहा था 35% कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या की 3/4 का 1/3 30 है तो वह संख्या है। देखिए हमको संख्या तो मालूम नहीं है, मान लेते हैं जो संख्या है एक्स संख्या है, ठीक है। अब पूछ रहा था संख्या का क्या मतलब क्या होता है, गुना होता है, संख्या का 3/4 तो यानी 3/6 का 1/3 किसके बराबर है, 30 के बराबर है, 3/4 का 1/3 1/3 किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो एक्स का मान कितना आएगा, ये गुना हो जाएगा 4 × 12 यानी 120, जो संख्या मेरा है 120 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है, राम और अनिल आयु में 5:6 का अनुपात है, यदि तीनों को इस आयु का योग 69 वर्ष हो तो मोहन की आयु कितनी है। देखिए यहाँ 3 आदमी हैं, राम मोहन और अनिल, लिख लेते हैं राम और मोहन। पहले राम मोहन का रेशियो दिया है तो कितना रेशियो है, राम और मोहन का आयु का रेशियो है 4:5, ठीक है। और मोहन राम और अनिल की आयु का रेशियो है, राम और अनिल 5:6, ठीक है। टोटल इनका इसका उम्रों का योगफल जो दिया है 69 वर्ष है। देखिए यह दोनों अलग अलग हैं, राम और मोहन, राम और मोहन अनिल, ठीक है। पर यह देखिए जो पहले का रेशियो है और दूसरा रेशियो में, दोनों में राम राम जो है कॉमन है, राम कॉमन है। तो अगर राम कॉमन है तो यार इसका मान तो अलग अलग है, पहला में पहला जो रेशियो दिया है इसमें राम का रेशियो कितना है 4 है, दूसरा में 5 है, और इसका मान भी हम समान कर लें तो राम मोहन और अनिल तीनों में संबंध बन जाएगा। तो जब रेशियो में मेरा मान दिया रहा है तो किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहला रेशियो दिया है और इसमें 5 से गुना कर दें, और दूसरा रेशियो है उसमें 4 से गुना कर दें। देखिए और सभी को बराबर करने के लिए हमको राम दोनों में कॉमन है, राम है तो इसको बराबर करेंगे, तो 5 से गुना करते हैं तो 5×20 = 25, यहाँ का राम आ गया 20 और अनिल आ गया 24। अब यहाँ दोनों का समान बन गया, राम का वैल्यू दोनों जगह समान हो गया, यहाँ भी राम है ये दूसरा में भी राम है, राम का 20 है तो यहाँ भी 20 है, और यहाँ देख लेते हैं राम मोहन
और अनिल। राम का वैल्यू कितना है 20 है, मोहन 25 और अनिल है 24। अब तीनों का मेरा संबंध बन गया, तीनों को अगर रेशियो में इसे जोड़े, सॉरी 24 है 5 और 9 69, यानी रेशियो में इसे जोड़े हम तो कितना रहा 69 रेशियो। 69 रेशियो का मान कितना दिया, 69 ही दिया है, तो 69 रेशियो का मान दिया 69 वर्ष। एक रेशियो का मान क्या आ गया 1। अब पूछ रहा है मोहन की आयु क्या है, तो एक रेशियो का मान क्या है 1 है, तो मोहन का रेशियो क्या है 25 है, तो 25 से गुना करें 1 में तो कितना का 25 ही जाएगा, यानी मोहन की जो आयु है 25 वर्ष है, ये मोहन की आयु आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में करते हैं, 12 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 4 दिनों के बाद 12 बच्चे उनमें साथ आ गए, अब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए जब ऐसा प्रश्न आया था पहले क्षमता दोनों को निकालना जरूरी है, ठीक है, तो क्षमता निकले कहाँ से, पहले काम को बराबर कर लेते हैं और शुरू में हम 16 आदमी लगाते हैं, 16 आदमी लगाते हैं तो मेरा जो काम है, 16 आदमी लगाते हैं मेरा काम है 24 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, मेरा टोटल काम निकल जाएगा। अगर आदमी जो आदमी कुछ ना कुछ क्षमता होगा तो 16 आदमी जितना एक दिन में जितना काम कर रहा है और 24 दिन में काम कर देखें तो मेरा टोटल काम निकल जाएगा बराबर 48 बचे लगाता है, तो 48 बुआ है गुण, तो मेरा जो काम है 16 दिन में ख़त्म हो रहा है, दोनों काम में हम बराबर कर लिए 24 दिन 48, 16 से 16 कैंसिल, एम बट्टा बी बराबर आ गया 2/1, यानी एक आदमी एक दिन दो काम कर रहा है तो बॉय कितना काम कर रहा है, जो लड़का है उससे आधा काम कर रहा है यानी एक काम कर रहा है। ठीक है, अब मेरे दोनों का क्षमता निकलेगा। प्रश्न क्या रहेगा, देखिए यहाँ सब किसी का वैल्यू रख के एम के यहाँ मार रखिए या बी का यहाँ मार रखिए तो टोटल काम निकल जाएगा, रख लेते हैं तो 16 आदमी है तो आदमी की क्षमता कितना है 2, तो 2 × 24 तो 16 दिन में 32 × 24 से गुना करते हैं, 4 × 8 चढ़ती है 12 × 4 = 16 हासिल बचा 1 × 3 = 6 × 6 = 7 768 काम टोटल है। ठीक है, तो शुरू में जो आदमी की संख्या है 12 है, 12 आदमी शुरू में काम करने आते हैं और 4 दिन के बाद उसमें लड़का भी आता है। ठीक है, तो आदमी क्षमता कितना है 2 और 12 आदमी लगाते हैं, ये एक आदमी की क्षमता 2 है तो 4 दिन टोटल कितना काम हो जाएगा, 4 × 8 = 12 = 96 यानी 96 काम हो जा रहा है। 12 आदमी हर आदमी की क्षमता एक दिन में दो काम कर रहा है तो 4 आदमी कितना काम करेगा, टोटल मिलाकर 12 आदमी एक दिन में दो काम कर रहा है, हर आदमी की क्षमता ये है। ठीक है, 4 दिन टोटल काम हो रहा है 96 काम, काम कितना टोटल से टोटल है 768, तो 768 में हम 96 घटाते हैं कितना का 2 7 6 772 काम आ रहा है यानी शेष बचा हुआ है। अब जो 4 दिन के बाद है उसमें 12 लड़के भी आ जाते हैं तो आदमी की संख्या कितना है, शुरू में भी 12 था और एक आदमी दो काम कर रहा था यानी क्षमता आ गया और बाद में है जो 12 लड़के आते हैं और हर लड़का जो क्षमता है एक दिन कितना काम कर रहा है, एक है टोटल मिला के एक दिन में कितना काम आया 12 × 24 काम ये हो रहा और जो लड़का मिला कर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, टोटल मिला 36 काम हो रहा है। ठीक है, एक दिन में 12 आदमी हर आदमी की क्षमता 2 है तो टोटल में कितना काम हो रहा है 24 काम हो जाएगा और एक 12 आदमी है तो एक दिन एक हर लोग जो लड़का है उसका एक क्षमता है एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, तो 12 लड़का है तो 12 कितना काम करेगा 12 काम करेगा, टोटल मिला कितना काम हुआ 36 काम हुआ, काम कितना करना है 772, तो 772 काम करना है, एक दिन में कितना काम हो रहा है 76 से भाग देंगे तो मेरा जो समय है समय चलेगा, काटते हैं 4 से तो 4 × 4 बचा 2, 6 × 24 बचा 3 और 6 × 32 9 × 36 7 3 से काट लेते हैं तो 35 × 15 = 18 बचा 3, अब 56/3 डिवाइड करते हैं 1 बचा 2 38 = 24 बचा 2 तो 2/3 18 पूर्णांक 2/3 दिन में जो शेष काम है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा
12 आदमी और 12 लड़के मिलकर जो शेष काम है 18 पूर्णांक 2/3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।